सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वाला गेम प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाला गेम प्ले में मेरे टीममेट के साथ मेरी लड़ाई हो गई करके कौन ज़्यादा किल कर सकता है देखते ही इस मैच में। तो क्या ही बोलूँ, चलो इसका चैलेंज एक्सेप्ट करते और मारते बंदे को। यहाँ पर उतरने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर कि तुम्हें बॉट्स मिलते उसके लूट करके तुम आराम से किसी पर उस पर रश कर सकते हो। जैसे कि मेरे टीममेट ने एक जन को नॉक किया, उसके बाद दूसरा किल मैंने बोला तुम मत करना मैं करूँगा, दोनों का सेम होना चाहिए बॉटों का, तो वापस भाई एक किल ले लिया। यहाँ पर मुझे तो एक किल मिल ही गया था बॉट का। तो आगे आगे देखिए, इधर मुझे लगता है करके ये रियल है, लेकिन उसके बाद ये रियल निकला है, लेकिन भाई कब से प्रो बन गया मेरा टीममेट, शॉटगन से पेल लियो, शायद से बॉट ही था, अच्छे से नाम नहीं पता इसका क्या है, ये ओपी लिखा है, शायद से रियल ही है। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद एक भी बंदा हमें मिल रहा नहीं था। हम लोग हॉट ड्रॉप नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें हॉट ड्रॉप नहीं जाना था, हमें बिना हॉट ड्रॉप का देखना था करके कितना किल मिलता है। यहाँ पर मुझे दो बॉट्स मिले, मैंने उनको मारा, मेरे टीममेट को एक भी किल नहीं दिया, भाई भाई क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर देखना आप पॉज करके देख सकते हो, वो किल मैंने लिया था M4 से, मैंने मारा था, लेकिन आगे आगे टीममेट बोलता है मुझे सिर्फ एक ही किल मिला, मतलब एक भी किल क्यों नहीं मिला, मैंने एक गाड़ी से नॉक किया था, लेकिन उसे क्या पता है करके मैंने M4 से पहला ही नॉक कर दिया था और दूसरा किल भी मैंने ही लिया है। तो आज मेरा टीममेट बहुत ही ज़्यादा प्रो बन गया था, पता नहीं कहीं से बहुत ही अच्छे से मार रहा था वो, और रियलिटी में वो प्रो ही है, मैं सिर्फ उसकी बेइज्जती करता हूँ, तो वो देखो मत, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मैं भी ठीक रहूं। तो यहाँ पर कुछ अलग ही मतलब टाइप का कुछ हो गया, मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। हम जा रहे थे फ्लावर प्लांट, सोचा करके हॉट ड्रॉप लेते क्योंकि किल नहीं थे, मतलब बंदे नहीं मिल रहे थे, तो हॉट ड्रॉप देखना था, और यहाँ पर हमें मिलते हैं दो बंदे और देखो मैं कैसे मारता हूँ उन्हें। यहाँ पर मैंने दो बंदे को भाई गाड़ी से नॉक कर दिया, उन लोगों ने मेरे टीममेट के ऊपर फोकस रखा था, मेरे ऊपर नहीं रखा था। तो आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही इजी 1v3 क्लच हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने वॉल से जिस हिसाब से मारा है, आप तो बोलोगे करके तू तो भाई हैकर है, तो मैं टीममेट ने वापस एक नॉक डाल दिया था, तो हमें जाना था पुश करने, ये देखो सो के दो नॉक डाल दिए भाई, देखा बहुत ही प्रो इंसान है, सिर्फ बेइज्जती करता हूँ मैं इसकी। और वो सीन से प्लीज़ कुछ बोलना मत, हेट कमेंट मत देना करके मैं हैकर हूँ। यहाँ पर मैंने मार दिया था एक बॉट और यहाँ पर मेरा टीममेट हो जाता है नॉक, तो मैं रिवाइव देता हूँ और देखो मैंने इधर किसे सर्वाइव किया। यहाँ पर मुझे पड़ा एक कार नाइटेड, वापस मेरे टीममेट को पड़ता है, यहाँ पर बचने की पूरे 0 चांसेस थे, तो भी हम लोग ने कैसे सर्वाइव किया आप देखो सिर्फ। मुझे बचने दो पहला। यहाँ पर वो जो ड्रॉप के पीछे मतलब जो मतलब पत्थर के पीछे जो वो छुपा था, तो मैंने अपने टीममेट को इन्फॉर्म कर लिया था, तो भी वो उधर ही खड़ा रहता है, उसके बाद उससे नॉक हो जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, दरवाज़ा खुला है आप आ जाओ, रिवाइव देता हूँ ऊपर, अब देखो अलग ही कुछ होने वाला है ऊपर जाने के बाद। डायरेक्ट ये बंदा भाई मुंह के अंदर आ गया था, पता नहीं क्या ही किया, मतलब क्या ही बंदा था ये। तो उन्होंने कहा करके तुम नीचे रिवाइव दो, तो मैंने ये देखो ये सब जगह पे अगर आपका टीममेट्स या फिर आप नॉक होते हो तो इंस्टेंट स्मोक करने का रहता है, तो स्मोक कैरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करो कैरी। चलो अभी ऊपर बाहर रहने का कोई फायदा
तो यहाँ पर देखना करके मेरे टीममेट्स को बंदे दिख गए थे करके, दो बंदे आ रहे हैं तो मेरा टीममेट उनमें फायर देने के चक्कर में नॉक हो जाता है, वो कोई नहीं। अब वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों मेरे ऊपर कर देते हैं पुश, और तब तक देखो मुझे लगा करके मेरा टीममेट रिवाइव नहीं होगा, लेकिन रिवाइव हो गया। अब देखना तुम्हारा भाई इधर क्या करता है। तो यहाँ पर वापस से तुम्हारे भाई ने 1v2 कर लिया, बहुत ही इजी था। सिर्फ ये भाई डायरेक्ट पुश कर रहा था, ये गलती हो गई। तो मेरे टीममेट को मैंने बोला करके गाड़ी उठाओ भागो क्योंकि जोन आ रहा है। उसी वक्त हमें हमारे ऊपर फायरिंग होती है ड्रॉप लोड। जोन भी आ चुका था और सामने बंदा मार रहा था, और प्लस मैंने गाड़ी भी खोल दिया था, तो मैंने बोला मैं आपको कवर देते रहूँगा, आप जाओ जोन में। लेकिन वो बंदा इतना फट्टू है भाई, वो निकला ही नहीं वहाँ से भाई, कहाँ से फ्लैंक फ्लैंक करके चला गया क्या पता। यहाँ पर मैं थोड़ा लाइट बढ़ा रहा था अपने फ़ोन का क्योंकि थोड़ा बहुत ये हो रहा था, अचानक तभी मेरा टीममेट नॉक डालता है पत्थर के पीछे, और उसने लोकेशन मार्क भी किया लेकिन उधर पूरी स्क्वाड बैठी थी। और यहाँ पर देखना मेरे टीममेट ने कैसे स्प्रे डाल के पूरा क्लच किया, देखो सिर्फ। इधर मुझे बंदे भाई एक झलका नहीं दिख रहा था और मेरा टीममेट नॉक पे नॉक कर रहा था, लेकिन आगे आके तुम्हारा भाई एक जन के ऊपर गॉड लेवल स्प्रे देने वाला है, तो सिर्फ देखो देख कर कहते मजा आ जाएगा भाई। सोल हंटर का ही स्प्रे दिया तुम्हारे ऊपर, उसने भी खतरनाक वाला स्प्रे दिया था भाई, लेकिन उसका टीममेट कवर फायर दे रहा था और मेरा भी टीममेट कवर फायर दे रहा था। हमारे टीममेट भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रो है भाई। और यहाँ पर मेरे टीममेट का एक किल सिक्योर हो जाता है। दूसरा बंदा मुझे दिखा, मैंने डैमेज दिया लेकिन भाई वो कवर के पीर के पीछे चला गया और मैंने ये स्प्रे बहुत ही हक दिया। यहाँ पर वापस मेरे टीममेट ने भाई वापस नॉक डाल दिया, पता नहीं कैसे हैकर है। और भाई उसने तो मैं जब तक जाऊँ पूरा क्लच पुश कर लिया था, अब मैं जाकर मैं ये पेटी लूट रहा था मैं से, बस भाई एक किल मिला भी नहीं, वो रिवाइव हो गया सोल हंटर, सब मेरे टीममेट को किल मिल गए। मैं यहाँ पे सोच रहा था करके भाई मेरे टीममेट के हाईएस्ट किल रह गए, लेकिन भाई देखो सिर्फ तुम आगे जाकर एमवीपी कौन बनता है। अब यहाँ पर सिर्फ बचा था एक बंदा, तो उस एक बंदे को मैंने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए रहो, हमें वो दिख गया था लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ये किए, हम उसके एकदम क्लोज में जाके उसे मार रहे क्योंकि उसके पास AWM था, तो धूल जाने धूल से मारने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, पीक पीक देगी एक ही बार में देगा भाई, खोपड़ा पोपड़ा तोड़ के देगा वो। यहाँ पर हम उसके क्लोज तो आ ही गए थे, नेट वूड कर रहे थे, मोली वोली सब डाल रहे थे, लेकिन भाई मरने का नाम नहीं ले रहा था वो बंदा। बहुत सारा ट्रोल बोल हो गया, अब मारते सीधा जाकर इसे। और यहाँ पर तुम्हारे भाई को वापस मिल गया विनर विनर चिकन डिनर, और MVP भाई मैं ही बन गया।
तो मुझे देखना था मेरे टीममेट्स की कितने किल थे, लेकिन मैंने देखा घर की मेरी टीममेट की सिर्फ 7 किल है। तो भी भाई बहुत अच्छा खेला उसने, प्लस पुश बहुत कर रहा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय।